ये क्या है? क्या है असल चीज? ओए 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 ओए, ये भाई फुल बकरा दमको, क्या बात है, क्या बात है। दोपहर में लंच रख रहे हैं, इसके बाद जो है हाई टी है, हाई टी बुफे है, और रात में जो है डिनर बुफे जो कि हमारा मेन स्लॉट होगा। बुफे होगा? जी हाँ, बुफे होगा, और इसके अलावा अलाकार्ट है। उंजई कबाब लग रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लग रहा है? ये फिश, ये फिश यहाँ पे बन रही है, क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिया तबारक और मैं मौजूद हूँ मेन शाहराह फैसल पे, और हम आए हैं आज कबाबिस रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे, और उसके लिए मैं इनवाइट किया खुसूसी तौर पे सलीम भाई ने। सलीम भाई इज़ लाइक अ बिग ब्रदर, अभी शिकागो से ही आए हैं और इनके रेस्टोरेंट की अभी ओपनिंग होगी। यहाँ पे मज़ेदार खाने हैं और एक बहुत बड़ी सी तितली भी यहाँ पे लगी हुई है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल ज़रा अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो फिर चले। ये देखें भाई, यहाँ पे सब लोग जो है ना वो ओपनिंग के लिए खड़े हुए हैं। आप लोग बेसिकली ओपनिंग सेरेमनी होगी, अभी यहाँ पे रिबन वगैरह काटा जाएगा, और एम्बियंस बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे। देखें आप, मशरूम्स बने हुए हैं, तितलियाँ हैं छत के ऊपर, और ये छत पे आपको तितली नज़र आ रही है ना, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आने वाली है, क्योंकि ये लोहे की बनी हुई सबसे बड़ी तितली है दुनिया की। और गिनीज बुक वाले आएंगे अभी इसको होपफुली, अभी तो नहीं यानी कि आएंगे वो भी। ये खालिद भाई जो रेस्टोरेंट ओनर है, उनकी अम्मी है। सलीम भाई कैसे हैं? सलीम भाई बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह जबरदस्त। थैंक यू फॉर कमिंग भाई। आज जो मैं इस रेस्टोरेंट में आया ना, तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी शादी में आया हूँ, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी है, तो ज़्यादातर जो गेस्ट हैं वो इनके अपने गेस्ट हैं, मैं भी इनका अपना ही गेस्ट हूँ। और यहाँ पे अभी देखते हैं बुफे लगा हुआ है, किचन में क्या हो रहा है, मेन चीज़ तो ये है। ओ भाई फायर वर्क्स हो रहे हैं। हाँ भाई, मेन्यू में क्या क्या है आज? मेन्यू में हमारे पास है प्रॉन बिरयानी है, प्रॉन बिरयानी, चिकन कोरमा है, दम पुख्ते और चिकन कढ़ाई है। उसके अलावा आपके पास चाइनीज़ आइटम में आपको मिलेगा ग्रेवी चिकन चिली ड्राई, चिकन फ्राइड राइस। कबाब में क्या है? कबाब में आपको कबाब, इसका जो बारबेक्यू स्पेशल है उसमें आपको मिलेगा बीफ सीख कबाब, चिकन टिक्का बोटी और बारबेक्यू फिश। ये अंदर भी है वही सेटअप बैठने का। ओके, अंदर भी डाइनिंग है सब, है ना? बढ़िया यार, वेरी नाइस। खालिद भाई कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे, माशाल्लाह खैर मुबारक। तो ये क्या मेन्यू क्या है, कबाबिस के बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए कबाबिस, जैसे आपको पता है कि काफ़ी अरसे से एक ब्रांड चल रहा था, इस ब्रांड को अब मैं कनाडा से आया हूँ तो मैंने इसको आगे बढ़ाना है, और जो इसके यहाँ के ऑनर थे पहले आगा साहब, उन्होंने मुझे बड़ी भरोसा किया और मुझे कहा कि ये बस आपने होटल इसको आपने ही चलाना है। तो मेन्यू वगैरह में क्या है? हमारे मेन्यू में हमारे यहाँ पर जो है हम दोपहर में लंच रख रहे हैं, इसके बाद जो है हाई टी है, हाई टी बुफे है, और रात में जो है डिनर बुफे जो कि हमारा मेन स्लॉट होगा। बुफे होगा? जी हाँ बुफे होगा, और इसके अलावा अलाकार्ट है। हमारे पास बेसिकली यहाँ पर चार मुख्तलिफ की सेटिंग है। एक हमारा ये बटरफ्लाई लाउंज है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हमने बुफे का आउटडोर लाउंज बनाया हुआ है। इसी तरह हमारा एक क्लाउड लाउंज है जो कि एक इंडोर लाउंज है, एयर कंडीशन है, और इस तरह रूफ टॉप पर हमने मशरूम लाउंज बनाया है। तो इस तरह और इस तरह आउटसाइड कर्ब साइड लाउंज बनाया हमने। तो बेसिकली चार मुख्तलिफ की सेटिंग है, और कराची के लोगों को तो आपको तो पता है कि दे आर फूडी पीपल, तो हमने हर तरह का जो है ना मामला यहाँ पे रखा हुआ है, एम्बियंस के हिसाब से बैठने के लिए, और
फूड के हिसाब से हमने हर किस्म का टेस्ट रखा है, हर किस्म का आपको यहाँ पे पाकिस्तानी, चाइनीज, इटालियन खाना मिलेगा। तो ये बताएं आज के मेन्यू में जो बुफे है, डिनर बुफे यही होगा या आज कोई स्पेशल है? आज स्पेशल डिनर है, स्पेशल बुफे है, लेकिन ये स्पेशल डिनर और बुफे जो है ये हमारे जो बाकी जो गेस्ट हैं उनके लिए भी होगा और एवरी डे जो है इसमें चेंज होती रहेगी, ताकि अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अगर डेली आते हैं तो उनको हम जो है ना वो मेन्यू कुछ ना कुछ वैरायटी रहेगी इसके अंदर। तो सही है, नंबर ऑफ डिशेस वगैरह वो सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे फेसबुक पे अवेलेबल होंगी। ओके, पर हेड कितना होगा ये अभी आपने डिसाइड किया? पर हेड अभी हम डिसाइड करेंगे। ओके ओके, चलें, ऑल द बेस्ट अलीज भाई, जबरदस्त जबरदस्त। क्या हाल है भैया? ठीक है, जबरदस्त कबाब लग रहे हैं। कौन से कबाब है ये? हुंजई कबाब। हुंजई कबाब मटन के? नहीं, चिकन का। अच्छा अच्छा, हुंजई कबाब लग रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लग रहा है? ये फिश, फिश टिक्का। ये देखिए भैया, आप ये फिश यहाँ पे बन रही है, क्या बात है। कौन सी मछली है ये? सारम। सारम ये देखो भाई, ये विंग्स बन रहे हैं, चिकन विंग्स। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप हेड शेफ लग रहे हैं मुझको। आपकी आउटफिट बता रही है। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। क्या नाम है आपका? वकास नाम है सर। वकास भाई, क्या मेन्यू का, क्या सीन है, क्या खुशबू आ रही है आज सर? माशाल्लाह से आज हम सॉफ्ट ओपनिंग कर रहे हैं और ये है कि मेन्यू में हमारा दम बुक है, जो आप ट्राई करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। और फिर इसी तरह बारबेक्यू में हमारे पास जाना ग्रिल फिश है, दम बुक मटन और मटन कुल्ला है, श्रिम्प बिरयानी है, आपको मिलेगी हमारे मेन्यू के अंदर बुफे के अंदर। रेगुलर में भी इंशाल्लाह हम उसको यानी इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा ग्रिल फिश है, ग्रिल फिश आप मतलब खाइएगा ना, उसे ज़रूर पानी आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए भाई, छत के ऊपर भी एक किचन बना हुआ और यहाँ पर बन रही है कोयला कढ़ाइयाँ। भाई एम्बियंस तो कबाबी रेस्टोरेंट का बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो एक खासियत है ना वो ये कि एक बहुत बड़ी मेटल की बटरफ्लाई इसकी रूफ के ऊपर बनी हुई है, जो कि हम आपको ड्रोन से आप देख रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़बरदस्त ये नज़र आ रही है। इसके अंदर दो बटरफ्लाइज और भी हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता किया गया है, क्योंकि शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी मेटल की बनी हुई बटरफ्लाई है। होपफुली गिनीज बुक में भी इसका नाम आ ही जाएगा। खाने की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, टेस्ट करते हैं और देखते हैं जायका कैसा है। वालेकुम, कैसे हैं आप? देखे थे भाई, आपका तकरीबन चैनल 5 साल से सब्सक्राइब किया हुआ है। अच्छा अच्छा, और जिस जिस रेस्टोरेंट का आपने बोला उस वहाँ वहाँ पे जाके ज़रूर समझ लें कि हमने टेस्ट। कैसे हैं आप? बहुत बड़े फूडी हैं और मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, स्पेशली आपको टर्की वाले। मेरा छोटा भाई टर्की वाला जो आपका एपिसोड थे ना, वो तो बहुत समझ थे। और एक कबाबिस, कबाबिस जो आपने यहाँ पे दिखाया था, जो डोनर जिसने इंट्रोड्यूस किया था, जो यू यू ऑस्ट्रेलिया से वो कर रहे थे, उनको मैंने जाके टेस्ट किया था, बड़ा औसम था। अच्छा था ना? बाकी रिव्यूज माशाल्लाह यार आपके बड़े बेहतरीन। थैंक यू थैंक यू। ये आया असल चीज़, ये भाई फुल बकरा दम पुक, क्या बात है क्या बात है। अच्छा भाई, ये बिरयानी कौन सी? प्रॉन बिरयानी? प्रॉन बिरयानी, प्लेन नान गार्लिक नान। ये सर कोरमा आ गया, कोरमा मटन कोरमा, चिकन कढ़ाई, चिकन कोयला कढ़ाई आ गई, और ये आ गया हमारा दम पुक। और बाकी अभी आ रहा है भाई, आ रहा है, आ रहा है, जल्दी ले आओ, भूख लग रही है, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। गरम गरम नान लग रहे हैं, गरम गरम नान लग रहे हैं, गरम गरम। वाह जी वाह, ये सैलेड बार है भाई, ये देखिए आप, ये भी किचन है भाई। यहाँ पे क्या बन रहा है? नहीं, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेक्शन है, कॉन्टिनेंटल बन रहा है, वो स्टेक्स वगैरह बन रहे हैं, स्टेक्स वगैरह बन रहे हैं। शेक है सर, मैंगो, मैंगो शेक, इसलिए तो नहीं पिला रहे कि पेट भर जाए, प्रॉन बिरयानी नहीं खा पाए। ये भी टेक्निक होती है ऐसे।
खाना लग गया है भाई और सब लोग अपने अपने खाने निकाल रहे हैं, हम भी जरा देखते हैं। भाई काफ़ी सारी डिशेज हैं लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पे है ये दम पुख जो स्पेशल डिश है यहाँ की अभी, और इसमें कुछ कबाब है, चिकन बारबेक्यू है, फ़िश है, साथ में हमारे ये प्रॉन बिरयानी और कुछ सैलड है, चाइनीज़ राइस भी है, मटन कुन्ना भी है, यहाँ पे काफ़ी कुछ है। लेकिन भाई मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस दम पुख के लिए। ये चेक करें भाई आप, बड़ा ही ज़रा नरम मुलायम सॉफ्ट सा गोश्त है, बॉयल्ड एग भी इसके अंदर हैं, टमाटर वगैरह, किशमिशें भी नज़र आ रही हैं मुझको राइस के अंदर, गाजर और किशमिशें जो काबली पुलाव में होती हैं वो भी इसके अंदर हैं। एक अच्छी सी बाइट बना के टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, राइस के साथ तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है लेकिन ये जो गोश्त है ना ये चेक करते हैं खाली, बड़ा मसालेदार, हल्का सा स्पाइसी चटपटा जायका है दम पुख का, बिल्कुल जिस तरह नमकीन होता है उस तरह का नहीं है, मसालेदार है। स्पेशली कराची के अंदर तो लोग ज़्यादा चटपटी चीज़ें पसंद करते हैं, उसी हिसाब से पूरा बकरा बना हुआ है ये, और जितना अच्छा ये जायके में है उतना ही अच्छा ये ट्रे के अंदर रखा हुआ विजुअली मुझे लग रहा था, मज़ेदार है नो डाउट। दम पुख के बाद भाई ये है प्रॉन बिरयानी, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी नज़र आ रही है मुझको प्रॉन्स की। यूजुअली मैंने देखा नहीं है कि कहीं बुफे के अंदर जो है ना वो इस तरह प्रॉन बिरयानी हो, आज तो इनके मेन्यू में है, रोज़ाना इनका मेन्यू डिफरेंट होगा और जिस दिन प्रॉन बिरयानी होगी भाई उस दिन तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मसाले वाली बिरयानी होती है ना, गर्म मसाले वाली प्रॉन की बिरयानी होती है ना, वो बिरयानी है ये, क्योंकि बिरयानियाँ भी अलग अलग तरह की होती हैं। जो प्रॉन बिरयानी है खसूसी तौर पर उसमें गर्म मसाला का एक गरम मसाले से एक मसाला बनता है, तो उस मसाले की झार भी होती है उसके अंदर बिरयानी के अंदर, वही टिपिकल प्रॉन बिरयानी का मसाला और जायका। वाह भाई ये मटन कुन्ना है, मटन कुन्ना टेस्ट करते हैं। बोन्स तक गली हुई है, मटन कुन्ना निहारी और पाए के फैमिली की डिश है, ये भी बहुत देर तक बनती है। मटन इसका ऐसा होता है बिल्कुल गला हुआ घुला हुआ, और ख़ासियत यही होती है कि हड्डी जो है ना वो तक चप जाए, इतना टेंडर इसका गोश्त होता है, बहुत ही लजीज है। ये भाई कोयला कढ़ाई, खाना तो टेस्टी है, टिपिकल कोयला कढ़ाई की जो एक खुशबू महक टेक्सचर जायका होता है चिकन कढ़ाई के अंदर नो डाउट। और कबाबिस पे आएँ और ये हमजई कबाब ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मज़ेदार है, फिश टेस्ट करते हैं भाई। ग्रिल्ड फिश, प्रॉन बिरयानी, मटन दम पुख, मटन कुन्ना, चिकन कढ़ाई, चाइनीज़, ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो यहाँ पे जो है ना वो आपको मेन्यू के अंदर अवेलेबल ना हो, और ये सारे काफ़ी हैवी आइटम हैं, मटन के, प्रॉन, फिश, बहुत ही मज़ेदार है भाई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन बफे में आने का मकसद ये नहीं होता कि आप हर चीज़ जो है वो खाएँ, क्योंकि फिर उससे होता ही है कि आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट जो है ना वो इतना नहीं आता। तो मैंने चंद चीज़ें यहाँ पर टेस्ट किए हैं और नो डाउट हर चीज़ का जायका मज़ेदार है। कबाबिस रेस्टोरेंट अभी नया समझे एक तरह से रीओपनिंग हुई है इसकी, और नई मैनेजमेंट है, आप लोगों की सपोर्ट की भी इस रेस्टोरेंट को ज़रूरत है क्योंकि खाना बहुत मज़ेदार है। तो आइए टेस्ट कीजिए और होपफुली आप लोगों को भी पसंद आएगा, मुझे तो अच्छा लगा। काफ़ी सारे आर्टिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं जो कि अपना फूड इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्चिंग सेरेमनी है तो काफ़ी सारे लोग इन्वाइटेड थे। मज़ेदार